देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, हिंद भारत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं और सचेत भी करता हूं कि कोरोना काल में अपने आप का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और कोशिश करिए कि जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मास्क लगाते रहें और हाथ को धोते रहें। और इसी हाथ धोने के साथ कुछ चीजें मुझे याद आ गई। आज विश्व का अर्थ डे, जिसको हम कहते हैं पृथ्वी दिवस, और पृथ्वी दिवस की स्थिति ये है कि कहीं पानी है तो कहीं आग है, तो कहीं बर्फ के गोले हैं, तो कहीं पृथ्वी की स्थिति ही अजीब सी है। और उसी पृथ्वी की अजीब सी स्थिति में हम मानवों का हाल ऐसा हो गया है कि हम न इधर के हैं न उधर के। कहते हैं कई बार हमारे माँ बाप बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ज्यादा तरक्की भी विनाश का कारण होती है। तो पृथ्वी डे पे, यानी कि जो विश्व का भौगोलिक संरचना है, ये जो हमारी संरचनाओं की व्यवस्था है अर्थ डे के नाम से, अब बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि अर्थ डे होता क्या है। जिस धरती पर हम अपने जीवन को शुरुआत करते, उस धरती के लिए हम सब मिलकर करते क्या, क्योंकि कहते हैं ना, प्रकृति गिव एंड टेक पे काम करती है। जब आप उसको कुछ देते हैं तो आपसे कुछ लेती भी, अगर आप उसको देना बंद कर देते हैं तो आपसे लेना शुरू, और उसका नतीजा क्या हुआ, कोरोना वायरस। इस कोरोना वायरस ने आपको हमको ये सजग कर दिया है कि जब जब आप धरती को दोहन करेंगे, जब जब आप धरती को बर्बादी की तरफ लेकर जाएंगे संसाधन बनाने के लिए, ये कोरोना जैसी महामारी, चीचक जैसा, डेंगू जैसा, ये हमारी प्राकृत देती है। तो अब ये अर्थ डे पे हम सुनते हैं, कान में लगाते हैं, ठीक है अर्थ डे है, चलिए वीडियो को स्किप किया और चल दिए। किसको पड़ी है धरती बचाने की? अगर आपको धरती बचाने की नहीं पड़ी है तो धरती को क्या पड़ी है आपको बचाने की? फिर क्यों चिल्ला रहे हो कि ऑक्सीजन की कमी है? क्यों चिल्ला रहे हो कि कोरोना मेरे भाई को ले गया, मेरे बेटे को ले गया, मेरे पति को ले गया, मेरी पत्नी को ले गया? फिर ये चिल्लाना भी बंद करो और कुछ तो शर्म करो। हम इंसान होकर जरा सोचो कि तुमने इस धरती के लिए, जिस पे रोज तुम गाड़ी चलाते हो, इसके ऊपर ट्रेन चलाते हो, इसके ऊपर बस चलाते हो, ना जाने क्या क्या इसके ऊपर चलाते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे खड़ा करते हो, जरा सोचो कि तुमने इस धरती के लिए कभी कुछ किया है? तुम्हारे दिमाग में भी जरा ख्याल आया है कि चलो आज धरती दिवस है तो हम इसी के लिए कुछ कर ले? हमारे शास्त्रों में देखो कितनी सुंदर बातें हैं, हिंदू सनातन धर्म में बात लिखा है, यतम जीवनम ससन्यासतः यति कृतम संयोजनम, यानी कि धरती माँ के स्वरूप, आकाश पिता के स्वरूप। तुमने उस माँ को तो बेच दिया है और बेचा खुद को भी है। अब तुम चिल्ला रहे हो कि कोरोना आ गया, ऑक्सीजन का सिलेंडर सरकार दे, मोदी जी क्यों दे? मोदी जी ने आपका ठेका थोड़ी लिया है? धरती को बर्बाद करो हम लोग और ठेका मोदी जी लेके घूम रहे हैं, ये गलत। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर जरा भी आपके अंदर इंसान आप हो या आपके आत्मा में जरा भी, मतलब इतनी सी भी कहीं भी, चाहे तुम हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म को मानते हो, रहते तो तुम धरती पर ही हो ना। अगर धर्म की जरा भी तुम परवाह करते हो तो जरा सा धरती की परवाह करो। कभी भूले भटके कहीं पेड़ लगा दो, कहीं भूले भटके जो दिन भर शैंपू और साबुन लगाकर नहाते हो उसकी पानी को बर्बादी करो, जो दिन भर नलका खोल के छोड़ के चले जाते हैं उससे थोड़ा सा बचने का प्रयास है। जरा से भी तुम अगर धर्म को मानते हो ना तो ये बात जरूर सुनो। खैर, इतनी बातें हो गई, अब धरती धरती तो हम चिल्ला रहे हैं, लेकिन इस धरती की हालत क्या है? आए दिन कभी उत्तराखंड के जंगलों में आग लग रहा है, कभी साउथ अफ्रीका के जंगलों में आग लग रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग रहा है, कभी इतने पक्षी मर रहे हैं, तुम प्रतिदिन सुनते हो। ये मत सोचना कि मैं क्यों इस सब कर रहा हूं और मैं क्यों आपको ये सब सुना रहा हूं। इसलिए सुना रहा हूं कि कर्ता एक ही व्यक्ति, लेकिन भुगत पूरा समाज रहा। पानी तुम खोल के छोड़ के जाते हो, लेकिन किसी बेचारे के घर में पानी तुम्हारी वजह से नहीं आता। आग तुम लगाते हो, किसी का घर पहले बर्बाद हो। तुम कभी सोचते हो, जरा कल्पना करते हो
कि उस जंगलों में उन मासूम जानवरों के साथ क्या होता होगा जब आग लगती है। कभी जानते हो जब पूरे के पूरे भूस्खलन हो जाता है, तुम जानते हो कितने जीव, कितने प्राणी, कितने मनुष्य उसके अंदर समाते हैं। किसकी गलती से? हम इंसानों की गलती से। हम धरती धरती डे तो कह रहे हैं, लेकिन धरती डे पे कर क्या रहे हैं? मेरा ये मानना है यार, धरती दिवस है आज, अपने अपने धर्म की कसम खा, अपने अपने मां बाप की कसम खा, इस धरती को बचाने के लिए जो तुमसे बन सकता है वो तुम करो। एक पेड़ नहीं लगा सकते, तुम्हारे पास जगह नहीं है, तो पार्क में जाकर पेड़ लगा। जो पेड़ लगाने की संस्थाएं है उनको कुछ 100-200-500 रुपया दान कर दो। दिन भर जाकर बियर पीते हो, शराब पीते हो, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगाते हो शराब की दुकानों पर, 500 रुपया अगर देकर एक दो पेड़ लगा देते तो तुम्हारा क्या चलेगा? लेकिन नहीं करोगे तुम, क्योंकि तुम्हें शराब पीने में तो बहुत आनंद आ रहा है, पेड़ लगाने में क्या आनंद आएगा? जब पेड़ लगाओगे और जब वो पेड़ बड़ा होता है ना, उसके पास बैठ के देखना, उससे पूछ कर देखना कितनी आत्म को शांति मिलती है। लेकिन तुम वो सब तो करोगे नहीं, बस दिन भर लेक्चर देते रहोगे पढ़े लिखे मूर्खों के साथ, दिन भर तुम वीडियो देखोगे यूट्यूब पर, कौन सा वाला, कॉमेडी वाला, बल्गैरिटी वाला, तुम्हें सेक्स वीडियो देखना है। अरे मूर्खों, कम से कम धरती के बचाने के लिए तो वीडियो देखो, वो तो तुम्हारे बस की है। और बड़े बड़े ज्ञान मैं तो आजकल देख रहा हूँ यूट्यूब पे, बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, ये तोड़ देंगे, वो फोड़ देंगे, ये बचा देंगे। इनसे पूछो कि कभी तुमने धरती के लिए कुछ किया है? जब तुम धरती के लिए नहीं कर सकते तो मुझे अफसोस है कि तुम अपने माँ बाप के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। और इस बात को अन्यथा मत समझना, ये बात बिल्कुल जायज में कह रहा हूं। जब तुम अपनी माँ के लिए नहीं कर सकते तो तुम इस धरती पर किसके लिए तुम करो? उसके लिए कर रहे हो, बच्चे के लिए, बड़ा होके उसको क्या देके जा रहे हो? पानी नहीं आ रहा, क्या देके जा रहे हो उसको? कहीं जा रहा है तो आग लग रही है, क्या देके जा रहे हो कि टेम्परेचर में सड़ रहा है? यही देके जाना चाहते हो तुम यही इसीलिए बच्चा पैदा कर रहे हो कि पूरा जिंदगी भर वो भोगे? अगर तुम देना चाहते हो बच्चे का जन्म हो तो 2-4 पेड़ लगाओ, 2-4 पक्षियों को पालो, पानी बचाने की कोशिश करो। नहीं पेड़ लगाओ, घर में तो तुम्हारे पानी आता हो, जो 2 बाल्टी से नहाते हो 1 बाल्टी से करके तो देखो। मैं बस इतना ही कहूंगा, ये धरती हम सब की है, तुम्हारी नहीं है, मेरी भी नहीं है, इस पूरे दुनिया की जरूरत है। लेकिन इसका जब जब हम शोषण करेंगे और इसके बदले हम इसको कुछ लौटाएंगे नहीं, तो इसका रूप कोरोना जैसे वायरस आएगा। अब देखो तुम त्राही माम कर रहे हो, कभी तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए, कभी तुम्हें मास्क चाहिए, कभी तुम्हें सैनिटाइजर चाहिए, तुम्हारी कभी रोजगार छूट रही है, चिल्ला रहे हो मोदी जी रोजगार छीन लिए, मोदी जी की गलती है। तूने अपने कर्मों को बोया है, काटने का जो कर्म होगे काटना पड़ेगा। चलते चलते बस 2 लाइनें कहूंगा, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी थी, जवाने को दोस्त से बेहतर है कि अपने खुद को जवाने से बदल लेते, जवाने के दोस्त से बेहतर था हम खुद के जवाने से बदल लेते, कम वक्त इश्क को फरमान छोड़ो कभी खुद से इश्क कर लो, तो कम से कम धरती से भी इश्क करके देखो, ये तुम्हें बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। तो धरती डे पे आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप सब से मेरे वीडियो को इतने देर तक झेल पाएंगे, और नहीं भी झेल पाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो कहते रहेंगे और सुनाते रहेंगे हिंद भारत में, और देखते रहिए हिंद भारत, और अच्छा लगे तो कृपया करके मेरी बातों को जरूर। हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज।